कप के बाद से ही क्रिकेट फैंस को इंतजार है 2020 के आईपीएल का, लेकिन 2020 के आईपीएल से पहले होने वाली है ट्रेडिंग और ऑप्शन की प्रक्रिया। और इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 प्लेयर्स के नाम जिन प्लेयर्स को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी टीम से रिलीज करने वाली है, मतलब नीलामी से पहले बाहर करने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए, सारे कारण भी बताऊंगा। और दोस्तों आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली का और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। आगे नीचे सभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स के रिलीज्ड प्लेयर्स की, और पहले खिलाड़ी जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिलीज करने वाली 125% वो है भाई स्कॉट कुकलेजिन न्यूजीलैंड से आते हैं, और इनकी एंट्री पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने की थी क्योंकि आईपीएल से पहले न्यूजीलैंड सीरीज में इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। 2 मैचेस खिलाए भी थे चेन्नई की टीम ने इन्हें, लेकिन 2 में से सिर्फ 2 ही विकेट निकाले। प्रदर्शन ना बहुत अच्छा था ना बुरा था, लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कई सारे ऐसे विदेशी खिलाड़ियों पर बिडिंग करने वाली है जो कि अभी तक आईपीएल में नहीं आए हैं और आईपीएल में एक नया वैल्यू जोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों आईपीएल के नियमों के हिसाब से आप एक पूरे स्क्वाड के अंदर में 8 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी नहीं रख सकते, और चेन्नई सुपर किंग्स को कई सारे विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ेगा ताकि वो दूसरे विदेशी अच्छे विदेशी खिलाड़ियों को लाएं। ऐसी स्थिति में कुकलेजिन वो प्लेयर हो सकते हैं जो रिलीज होंगे, और इनके स्थान पर शायद मैट हेनरी की एंट्री हो या फिर जिमी नीशम की एंट्री हो। दूसरे प्लेयर जिन्हें रिलीज करने वाली है सेम रीजन के कारण चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, इनके साथ थोड़ा अलग रीजन भी है, वो है भाई सैम बिलिंग्स। लगभग 2 साल पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ जुड़े थे। पिछले साल आईपीएल 2019 में सैम बिलिंग्स ने सिर्फ 1 मैच खेला, और इस 1 मैच में उन्होंने ना 1 रन बनाया, विकेट तो खैर वो लेते ही नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों सैम बिलिंग्स की जगह इस टीम में प्लेइंग 11 में फिट नहीं हो रही है। विदेशी खिलाड़ी को टीमें तभी लेती हैं जब वो उन्हें बहुत लॉन्ग टर्मली अपनी प्लेइंग 11 में सेट आउट कर पाए, क्योंकि सैम बिलिंग्स की जगह इस टीम में नहीं बन रही है। बिलिंग्स एक बहुत अच्छे प्लेयर है और दूसरी किसी टीम में इनकी प्राइमरी जगह बन सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चाहेगी कि वो दूसरी टीमों में जाकर खेले, क्योंकि आप 11 खिलाड़ी जो सेलेक्ट करते हैं प्लेइंग 11 उसमें 4 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी नहीं खिला सकते। किसी भी हालत में अपर या मिडिल ऑर्डर में बिलिंग्स को सेट करना बहुत मुश्किल है। बिलिंग्स को सीएसके रिलीज कर सकती है। आप भी कमेंट में बताइए कि क्या सीएसके को बिलिंग्स को रिलीज करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए क्योंकि दूसरी टीमों में इनको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। दोस्तों तीसरे प्लेयर जिनको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिलीज कर सकती है वो है डेविड विली। पिछले साल 2019 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 1 भी मैच नहीं खेले थे, उन्होंने खुद मना कर दिया था और वो वापस लौट गए थे। मैं ऐसे प्लेयर्स के पक्ष में नहीं रहता हूं जो कि अपनी टीम जिसमें वो बिके हैं एक टीम का अपना स्पॉट खराब कर वापस अपने देश लौट जाते हैं। तो विली वो प्लेयर्स हो सकते हैं जिसको रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। एटलीस्ट आप ऐसे प्लेयर्स को मौका दीजिए टीम में जो प्लेयर आपके साथ पूरे सीजन नहीं तो आधे से ज्यादा सीजन, कम से कम अगर टीम 14 मैचेस खेलती है तो 10 मैच तो खेले। तो ऐसे प्लेयर को मैं तो नहीं चाहता कि वो खेले, क्या आप चाहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो डेविड विली रिलीज होने वाले हैं। दोस्तों चौथे खिलाड़ी जो रिलीज हो सकते हैं जो शायद अगले साल हमें चेन्नई में ना खेलते दिखे वो है मोहित शर्मा। एक जमाने में इंडियन क्रिकेट में खेल गए थे, टीम इंडिया में खेल गए थे, और ये महेंद्र सिंह धोनी की खोज थी और एक जमाने में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा भी थे मोहित शर्मा। बाद में इनका फॉर्म खराब हुआ, खराब फॉर्म के कारण इन्हें चेन्नई ने निकाला, फिर ये पंजाब की टीम में आ गए थे, लेकिन उसके बाद से फॉर्म में दिखे नहीं, टीम इंडिया से भी बाहर कर दिए गए। पिछले साल 1 मैच खिलाया गया इन्हें जिनमें से इन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला। मतलब साफ है कि मोहित शर्मा को भी अब ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू सीएसके या कोई भी टीम नहीं कर सकती। सबसे पहली बात तो अब प्लेयर्स इतने ज्यादा यंग आ गए हैं कि आपकी जगह ही टीम में सेट ही नहीं हो रही है, तो मोहित शर्मा भी रिलीज हो सकते हैं जिस तरह से किंग्स ने किया था, पंजाब ने इन्हें बाहर किया था, चेन्नई भी नीलामी से पहले इन्हें रिलीज कर सकती है। और लास्ट प्लेयर जिन्हें रिलीज किया जा सकता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के द्वारा, मैं तो इनके पक्ष में हूं कि इन्हें रिलीज किया जाए, वो है करण शर्मा। लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में फ्लॉप हो रहे हैं। एक टाइम था जब वो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आए थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, चले भी थे, लेकिन उसके बाद से वो एक सीजन के बाद से मुझे कोई सीजन याद नहीं आता जिसमें करण शर्मा ने परफॉर्मेंस दी है, और शर्मा ने बहुत पहले ये परफॉर्मेंस दी थी, उसको 3-4 साल हो चुके हैं। अब क्या उस परफॉर्मेंस के आधार पर अभी आप रहना चाहते हैं टीम में? बिल्कुल नहीं। तो मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन्हें रिलीज करेगी। पिछले साल सिर्फ 1 मैच खेला, 1 विकेट भी लिया, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा, लेकिन फिटनेस भी मसला है इनका, और इसीलिए करण शर्मा अब हमें बाहर जाते हुए इस बार रिलीज होते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा 3-4 प्लेयर्स और हैं, चेतन बिश्नोई है, मोनू कुमार है, के एम आसिफ है, इन प्लेयर्स को भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लुकआउट करेगी और इन्हें भी वो रिलीज कर सकते हैं।
आपके हिसाब से सीएसके को किन प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए, कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान झाड़ दीजिए, अपने प्लेयर्स के नाम लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और जरूर शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।